शुरू तो जरूर हो गई है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो भी आपके सामने हैं। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने अपने बयान पर माफी मांगी है, ये सबसे बड़ी जानकारी है। अपने विवादित बयान पर उदयभान ने माफी मांग ली है। सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा ने आपको वो बयान भी सुनाया था और आपने देखा था कि किस तरह से उदयभान की तरफ से जो बयान दिया गया था उस पर जब इंडिया न्यूज हरियाणा ने उनका पक्ष दोबारा से जानने की कोशिश की थी तो उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया था, वो बयान पर कायम थे। लेकिन अब उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी है तो इंडिया न्यूज की खबर का ये असर भी है। अब उदयभान अपने बयान पर माफी मांग रहे हैं। उदयभान ने इंडिया न्यूज पर माफी मांगने से हालांकि पहले इनकार किया था, लेकिन अब उन्होंने अपने बयान पर आपत्ति उनके बयान पर जो आपत्ति थी उस पर उन्होंने माफी मांगी है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे उसके लिए वो माफी मांगते हुए भी अब नजर आए हैं। तो बड़ी जानकारी है, उदयभान ने अपने विवादित बयान पर माफी मांगी है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का यह बड़ा असर हुआ है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा ने आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के बयान को सुनवाया था। जिस तरह से मंत्री संदीप सिंह का जो दुर्व्यवहार रहा उसमें जो सरकार ने जिस तरह से मंत्री को बचाया और अभी तक बचा रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे महिला पहलवानों के साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ यहाँ पर जंतर मंतर पर, कोई उनको राहत नहीं मिली मणिपुर में। ये सारे मुद्दे थे जिनके ऊपर चर्चा का था, उस समय एक हल्के अंदाज में हंसी में कह दिया, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं था। अगर किसी को अगर इसमें बुरा लगा तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। सर मामन खान से आप सुन रहे थे उदयभान को और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उन्होंने जिस बात को कहा अगर उससे किसी को ठेस पहुंची है तो फिर वो उस बात पर अपनी बयान पर वो माफी मांगते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। दीपक, पहले इंडिया न्यूज ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है, लेकिन आज वो अपने बयान पर माफी मांगते हुए नजर आए। दीपक, क्या कुछ कहा उदयभान ने, एक बार अपडेट करें। जी बिल्कुल, ये बयान की बात करें यूं तो लगातार सबसे पहले उदयभान के बयान आ रहे थे। इस बयान की शुरुआत यमुनानगर से हुई थी जहां उन्होंने पहले ये बयान दिया था, कहीं ना कहीं ये विवादित बयान था। उसके बाद चंडीगढ़ जाकर के जब इनसे बात की गई तो वहां पर भी अपनी बात को अपने बयान को लेकर के ये अड़िग रहे उदयभान की अगर बात की जाए। उसके बाद भी चाहे हम पलवल की बात करें, इनका बयान आया, या आज भी सुबह ये नुह गए थे मामन खान से मिलने के लिए जो जेल में बंद है, वहां पर भी अपनी बयान पे अड़िग थे। लेकिन आज ही इनको कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है इनकी चर्चा हुई, जिसके बाद उदयभान दिल्ली पहुंचते हैं, कांग्रेस के कुछ नेताओं से मुलाकात करते हैं और उसके बाद उनका ये बयान आता है। उदयभान जब कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद खुद उनके द्वारा ही ये मैसेज दिया जाता है कि वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं और उसके बाद उदयभान के द्वारा ये संदेश दिया गया है। तो सीधे से कह सकते हैं कि अब वो जो बयान वापस लेने की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पार्टी ने भी इस मामले को अब गंभीरता से लिया है, क्योंकि इस बयान के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस की सोच पर प्रश्न उठ रहे थे और लगातार जिस तरीके से तमाम जो अन्य दल है, चाहे बीजेपी की बात करें या तमाम अन्य दलों की बात करें, वो कांग्रेस के ऊपर प्रश्न उठा रहे थे इसको लेकर के। और आखिरकार आज उदयभान जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है वो दिल्ली पहुंचते हैं, कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं और उसके बाद उनका ये बयान आता है कि वो अपना जो उनका बयान रहा था उसे वापस लेते हैं। ठीक है, चलिए दीपक बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।